हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम केयर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आप नेस्टार्डियम की सीड्स कैसे लगा सकते हैं। तो ये मेरे कुछ सीड्स हैं फ्रेंड्स, मैंने लास्ट ईयर सेव करके रखे थे नेस्टार्डियम के। मैं अभी आपको ये निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए, कुछ इस प्रकार के, इस टाइप के ऐसे से दिखने वाले सीड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको वैसे तो सीड्स को काफ़ी कहा जाता है कि सोक करके पानी में भिगो के तब इनको लगाएं, लेकिन आज मैं एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता हूँ कि ये अगर मैं इनको ऐसे ही लगाऊं तो ये जर्मिनेट होते हैं या नहीं। वैसे फ्रेंड्स, लास्ट ईयर भी मैंने सोक करके नहीं लगाए थे, तब भी मेरे सीड्स जर्मिनेट हो गए थे। तो लास्ट ईयर मैं ये पैकेट मार्केट से लेके आया था इनका, सीड्स का, लेकिन फिर मैंने अपने आप सीड्स सेव करके रख लिए। तो इस साल मैं अपने लास्ट ईयर के सीड्स सो करने वाला हूँ। तो लेकिन आप सेफर साइड पे रहने के लिए सोक करके भी सो कर सकते हैं, भिगो के भी बीज बो सकते हैं इनको आप, बीजों को, या फिर डायरेक्टली भी वैसे कर सकते हैं। सो कोई बहुत टिपिकल रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको ऐसे ही सो करना है भिगो के ही। तो देखिए, मैं इनको आज सो कर रहा हूँ इनको फ्रेंड्स। इस ये जो मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है कि नेस्टार्डियम को इस टाइम मैं सितंबर एंड में सो करके देख रहा हूँ। आप इनको लेट सो कर सकते हैं क्योंकि और काफ़ी टाइम बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको टेम्परेचर जो है फ्रेंड्स वो बहुत लो चाहिए, 18-20 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है नेस्टार्डियम को जर्मिनेट करने के लिए। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस टाइम लगाने की सोची, तो मैं इनको अभी लगा रहा हूँ सीड्स को। तो आप इस तरह सीड्स को लगा सकते हैं थोड़ी दूरी दूरी पर। ये सीड्स वैसे फ्रेंड्स, अगर आप गार्डन में उगाना चाहते हैं, आप इनको डायरेक्ट गार्डन में भी सो कर सकते हैं इनके सीड्स को। ये ईज़िली डायरेक्टली सो हो जाते हैं क्योंकि इनका जो प्लांट निकलता है काफ़ी, इतना बड़ा सीडलिंग निकलता है फ्रेंड्स इसका, तो छोटे छोटे सीड्स भी नहीं होते हैं। तो आप इनको डायरेक्टली सो कर सकते हैं, आप जहां लगाना चाहें इनको, एक एक दो दो सीड्स को आप पोट में भी डायरेक्टली सो कर सकते हैं। या अगर आप ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे हम छोटे छोटे प्लांट्स की केयर करने के लिए उनको सो करते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो है मैं एक एक्सपेरिमेंट सा करके देख रहा हूँ। तो मैं खाली कोकोपीट में इन सीड्स को लगा रहा हूँ, और प्लस इस टाइम लगा रहा हूँ जिस टाइम हमारे यहाँ अभी 18-20 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर नहीं है, अभी 24-25 तक जा रहा है टेम्परेचर नीचे, लेकिन अभी 20 डिग्री सेल्सियस या 18 नहीं हो रहा है, वो थोड़ा मे बी अक्टूबर के एंड में हो। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इनको। तो ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को मैं ये पहले इसलिए दिखा रहा हूँ लगा के, कि आप लगा सकें नेस्टार्डियम को भी। इसके बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, तो बहुत इजी टू मेंटेन होते हैं, कोई प्रॉपर केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये थोड़ा स्प्रिंग के टाइम में जाके आपको फ्लावर्स देंगे, ये सर्दियों में फैब के एंड में या फैब से स्टार्ट करता है फ्लावर्स देना, थोड़ा लेट फ्लावर्स आते हैं इसमें, लेकिन बहुत खूबसूरत आते हैं। जब आपके सभी प्लांट्स फ्लावर देना बंद कर देंगे विंटर्स के, तो मोस्टली तो नेस्टार्डियम के फ्लावर्स आपके गार्डन को एक ब्यूटीफुल लुक देंगे आपके गार्डन में। फ्रेग्रेंट तो नहीं होती है इनमें, बट एक ब्यूटीफुल लुक मेंटेन रखेंगे। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे कलर्स में आते हैं, रेड, मरून, येलो, ऑरेंज, एकदम बिल्कुल डार्क मरून कलर का भी फ्लावर आता है इसमें। तो आप मिक्स्ड पैकेट ले सकते हैं, तो आप भी इस तरह सो करके देख सकते हैं, या बेटर है कि आप कुछ टाइम बाद सो करें, वो भी अच्छी बात है। तो फिर हम इसको वाटरिंग कर देंगे। थोड़ा सा मैंने पहले ही पानी डाला हुआ था फ्रेंड्स कोकोपीट में, तो मैं बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करूँगा, थोड़ा सा करूँगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में आप इनको अच्छी तरह वाटर करते हैं तो बेटर है, क्योंकि सीड्स जो हैं वो सोक भी हो जाएंगे एक तरह से,
और फिर जर्मिनेट भी हो जाएंगे आसानी से। लेकिन बहुत ज़्यादा भी पानी ना भरें, ड्रेनेज होल हो अगर आपके कंटेनर में, वो मस्ट है वैसे तो और होना भी चाहिए, तो आप थोड़ा पानी सही दे सकते हैं। लेकिन अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो पानी का ध्यान रखना है, वरना आपके सीड्स गल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेस्टार्टियम बहुत अच्छा प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आप भी नेस्टार्टियम के सीड्स ग्रो कीजिए, बहुत लोटस जैसे, कमल जैसे इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और बहुत ही प्यारे शेड में होते हैं और आपको बहुत प्यारे फ्लावर्स लगेंगे इसके। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।